जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई इंसाइडर्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, मैंने आपको कार्बोरेटर के बारे में बताना है कि CG125 Euro2 मॉडल में कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशन करें कि जिससे वो फ्यूल एवरेज थोड़ी बेहतर करे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, कार्बोरेटर खोलना है, उसका मेन जेट और पायलट जेट दोनों उतार लेने हैं। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास कुछ जेट्स पड़े हैं। ये है, शायद कैमरे में नज़र आ जाए, 38 नंबर का कही है, ये 38 नंबर का जेट है। ठीक है, ये पायलट जेट है, इसको स्लो जेट भी कहते हैं। एक तो ये ले लेना है, दूसरा आपने जो ओल्ड मॉडल का CG125 का जो जेट है, मेन जेट, उसका आपने ये वाला हिस्सा लेना है, ये नहीं लेना। ठीक है, जस्ट आपने ये वाला लेना है। अब ये देखिएगा, ये मेरे पास जेन पड़ा है ओल्ड मॉडल का, ये है 88 का। ठीक है, ये 88 नंबर का है जो कार्बोरेटर यूरो में आ रहा है, उसमें ये वाला जेट 90 नंबर का है और ये वाला जेट 40 नंबर का है। तो 40 नंबर निकाल के 38 लगाएंगे और 90 निकाल के 88 लगाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है, घर पे लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई कुछ नहीं करना, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, जस्ट आपने इवन आपने फ्यूल मिक्सचर को भी नहीं छेड़ना। ठीक है, ये जेट आपने चेंज करनी है और बाइक को आप चला के देखें, इंशाल्लाह आपके जो CG125 Euro2 मॉडल है उसमें बहुत अच्छा आपको डिफरेंस महसूस होगा। हाँ, स्पीड थोड़ी सी कम होगी, अगर वो जाता है कोई 110 पे, तो ये चट लगाने से वो 105 तक आ जाएगा, 105 तक आएगा, थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस आएगा स्पीड का, टॉप स्पीड का, लेकिन इनिशियल पिकअप और टॉर्क वगैरह वो सब ठीक होगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं फ़र्क नहीं आएगा कि आपको महसूस हो कि बाइक जो है वो ओवर हीट हो रही है या अंडर पावर है। ठीक है, बस करना क्या है, आपने मेन जेट और स्लो जेट इनको आप तब्दील कर दें, क्योंकि पेट्रोल आजकल बहुत महंगा है। तो CG125 वाले भाइयों के लिए मशवरा मेरा ये है कि 38 नंबर का जो है वो पायलट जेट, इसको स्लो जेट भी कहते हैं, और 88 नंबर का आप लगा दें इसको मेन जेट। ठीक है, कोशिश करें कि ये ओरिजिनल मिल जाए, अगर ओरिजिनल नहीं मिलते तो क्राउन फिट कंपनी का बहुत अच्छा है, वो लगा लें। लोकल लगाएंगे तो मे बी पॉसिबल कि वो एक्यूरेट ना हो, क्योंकि इसमें सुराख होते हैं, बहुत बारीक सा सुराख होता है, आपको शायद कैमरे में नज़र ना आए, ये पेट्रोल खींचता है और स्टार्टिंग के ऊपर जब स्लो बाइक चल रही होती है आइडलिंग पे, उस वक्त इस जेट से पेट्रोल जा रहा होता है इंजन को, और जब आप थ्रॉटल देते हैं तो थ्रॉटल देने के बाद जो मेन जेट है ये वाला, इससे आपका इंजन जो है ना वो रेस पकड़ता है, स्पीड ज़्यादा होती है, पिस्टन तेज़ तेज़ काम करता है, और आप जब गियर डाल के क्लच छोड़ते हैं तो बाइक चलती है। तो ये दो चीज़ें चेंज कर लें, आपकी बाइक में इंशाल्लाह कम से कम 5 किलोमीटर का फ़र्क तो लाजमी आएगा। ठीक है जी, थैंक यू। ये मेरे पास और भी जेट्स पड़े हैं, तजर्बे करके मैंने फिर ये आपको वीडियो शेयर की है, क्योंकि ये मेरे पास 90 नंबर का भी है, 80 नंबर, ये 80 नंबर का है। ठीक है, ये 125 में लगा के देखा है, नहीं इस पर बाइक बेहतर, 85 का भी है मेरे पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा ये 85 का है। ठीक है, कैमरे में शायद ये ठीक जूम हो जाए, चलिए बहरहाल ये 85 का है। ठीक है, ये 100 का, 100 नंबर का ये जेट है ये वाला। ठीक है, ये 85 नंबर का जेट है ये वाला, ये भी 85 नंबर का जेट है,
ये 80 नंबर का जेट है ये वाला। और एक और है आई थिंक वो 85 80 100, और ये भी 85 है। एक 90 नंबर, ये 90 नंबर का, ठीक है। ये जो 90 नंबर का, ये Euro 2 में लग के आता है, आपने इसको उतारने और 88 नंबर का जेट जो है वो लगाने, ठीक है। चलिए, कमेंट में मुझसे सवाल पूछिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, किसी का भला हो जाए यही बहुत है, तो सपोर्ट कीजिएगा मुझे, ठीक है। अभी अभी चैनल शुरू किया, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।